हैं बैटरी लो यार, अभी तो फोन को चार्ज किया था यार, दोबारा से बैटरी लो यार। परेशान हो चुका हूँ बार बार फोन को चार्ज करके। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ से परेशान हो? एक बार फोन को चार्ज करने के बाद आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी खर्च हो जाती है, फोन को बार बार चार्ज करना पड़ता है। और ऐसे में आपको नहीं पता कि भैया आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी खर्च हो जाती है, जितना चलना चाहिए उतना नहीं चलता। सो डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कई सारे गलतियां बताने वाला हूँ, कई सारे ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, छोटी मोटी मिस्टेक है जो मोस्टली हम सभी लोग करते हैं, जिनकी वजह से हमारे मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी खर्च हो जाती है और ऐसे में हमें पता ही नहीं चलता, और इसी की वजह से हमें फोन को बार बार चार्ज करना पड़ता है। एक बार अगर आपने ये सारी मिस्टेक जान ली और इन्हें सुधार लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो काफी ज्यादा बचेगी और लंबी चलेगी, और आपको बार बार फोन को चार्ज नहीं करना पड़ेगा। और ये चीजें हर एक स्मार्टफोन यूज करने वालों को जरूर पता होना चाहिए। सो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। नंबर वन, वाइब्रेशन मोड। जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा जब भी आपको कोई फोन करता है, आपका फोन रिंग करता है, या फिर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई मैसेज करता है, या फिर आप कोई मैसेज टाइप करते हैं, तो आपने नोटिस जरूर किया होगा कि आपका जो फोन है वो वाइब्रेट होता है, चाहे कॉल आते वक्त, चाहे मैसेज आते वक्त, नोटिफिकेशन आते वक्त, या फिर मैसेज टाइप करते वक्त कीपैड में। ये जो वाइब्रेशन है हमारे मोबाइल की बैटरी काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी से काफी ज्यादा परेशान है, फोन की बैटरी काफी जल्दी खत्म हो जाती है, बार बार फोन को चार्ज करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप फोन में बैटरी बचाने के लिए अपने फोन की जो भी वाइब्रेशन है उसे बंद कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं इन्हें स्टेप फॉलो करके, इन्हें बंद करके आप अपने फोन की बैटरी बचा सकते हैं, और ये भी एक काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टिप्स है मोबाइल की फोन की बैटरी बचाने के लिए। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। जी हाँ, नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल की बैटरी काफी ज्यादा यूज करते हैं। आपने नोटिस किया होगा आज के समय में हम अपने स्मार्टफोन में कई सारे ऐप इंस्टॉल कर रखते हैं, वीडियो एडिटिंग का हो गया, फोटो एडिटिंग के लिए, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया, एंटरटेनिंग ऐप्स हो गए, कई सारे म्यूजिक ऐप हो गए, वीडियो गेम हो गए, और कई सारे फालतू के ऐप भी इंस्टॉल कर रखते हैं। तो इनसे क्या होता है, हमारे मोबाइल में कई सारे नोटिफिकेशन आपने देखे होंगे और आप इन नोटिफिकेशन से भी परेशान हो जाते हो। क्यों? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यही नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल की बैटरी काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हर ऐप अपने अपने नोटिफिकेशन भेजता है। क्योंकि देखो, मैसेज के नोटिफिकेशन ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके नोटिफिकेशन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फालतू एप्लीकेशन है उनके नोटिफिकेशन आने से आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो और ज़्यादा खर्च होगी। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए टिप्स है, हर मोबाइल में एक फीचर होता है, एक सेटिंग होता है, जहाँ पर आप जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं उनको एक स्पेसिफिक ऐप की जो नोटिफिकेशन है आप उन्हें बंद कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, उनका जो नोटिफिकेशन है वो टर्न ऑफ कर सकते हो, तो वहां पर उस ऐप का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप फोन की बैटरी बचाना चाहते हो तो फोन में जितने भी फालतू के ऐप है उनकी नोटिफिकेशन को आपको जरूरत ही नहीं है, तो उनकी जो नोटिफिकेशन है उन्हें टर्न ऑफ कर दे। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगी और डेफिनेटली आपके मोबाइल की बैटरी और ज्यादा बचेगी। नेक्स्ट जो फीचर है वो है ऑटोमेटिकली सिंक। जी हाँ, वेल है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर जो आपके स्मार्टफोन के जो भी इंपॉर्टेंट फोटोज है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उनका जो बैकअप है ऑटोमेटिकली आपके गूगल अकाउंट में या फिर कह लो गूगल ड्राइव में बना देता है, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने स्मार्टफोन का बैकअप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं है फोन में ये फीचर दिया गया और आप इसका यूज ही नहीं करते, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इसे टर्न ऑफ कर दे, बंद कर दे, वो ज्यादा बेटर होगा और आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो काफी ज्यादा बचेगी। जी हाँ, शायद आपको पता नहीं होगा कि बैकग्राउंड में ये जो ऑटोमेटिकली सिंक है, अगर आपने इसे ऑन कर रखा है तो आपका जो गूगल अकाउंट है जो आपने फोन में डाल रखा है, इसमें जितने भी कॉन्टैक्ट है, फोटोज है, वो ऑटोमेटिकली सिंक होते रहते हैं ऐप्स के थ्रू। तो यहाँ पर इसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, डेटा का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड में अगर डेटा का इस्तेमाल होगा, जितना ज्यादा डेटा यूज होगा उतना ज्यादा आपके मोबाइल की बैटरी खत्म होगी। जब भी आप अपने स्मार्टफोन को
से वाकिफ जरूर होंगे। हम एक दिन अपने मोबाइल में कई सारे ऐप्स को ओपन करते हैं और ऐसे में कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ एक बार ओपन करते हैं और पूरा दिन उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, हम उसे क्लोज नहीं करते। तो हमारे मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, डेटा को खाता है और हमारे मोबाइल की बैटरी भी खाता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा मल्टीटास्किंग में आपके कई सारे ऐसे ऐप होते हैं जिन्हें आप पूरा दिन इस्तेमाल नहीं करते, जिन्हें दो तीन दिन तक इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी वो जो ऐप है बैकग्राउंड में ओपन हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, वो ऐप बेसिकली आपके मोबाइल की बैटरी को खा जाती है। अब आप जिन भी ऐप को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, एक बार आपने ओपन कर लेते हैं उस ऐप को, अगले चार पाँच घंटों तक अगर सात आठ घंटे तक आप उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, अगले दिन तक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, उन ऐप को आप बैकग्राउंड से डिलीट कर दें या फिर उन्हें क्लोज कर दें। इससे क्या होगा, वो ऐप बैकग्राउंड में रन नहीं होंगे और आपकी मोबाइल की बैटरी खुद बचेगी। जिन ऐप को आप लगातार इस्तेमाल करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, हाँ उन्हें क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें आपको बार बार ओपन करते रहना होता है, लेकिन जिन्हें एक बार ओपन करने के बाद आप लगातार ओपन करेंगे तब करेंगे, तो फिर ऐसे में उन ऐप को क्लोज कर देना, बंद कर देना ही फायदेमंद होगा और आपके मोबाइल की बैटरी भी बचेगी। नेक्स्ट है वाईफाई। जी हाँ, मोस्टली जो लोग होते हैं वो घर में 24 घंटे वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो डेटा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं जब भी वो लोग बाहर जाते हैं तो अक्सर वो अपने मोबाइल का जो भी वाईफाई है उसे बंद करना भूल जाते हैं। इवन मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, लेकिन जब मुझे याद आता है तो मैं इसे बंद जरूर करता हूँ जब भी मैं बाहर जाता हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, जब भी अगर आपके मोबाइल में वाईफाई ऑन है तो आप किसी दूसरी जगह जाते हैं तो आपका जो मोबाइल है उसमें वाईफाई ऑन है तो वो कंटिन्यूसली सर्च करता रहता है नए वाईफाई नेटवर्क को। तो इससे क्या होता है, आपको जब वाईफाई सर्च कर रहा है वो आसपास के नेटवर्क को सर्च कर रहा है तो इससे डेफिनेटली आपके मोबाइल की बैटरी इस्तेमाल होगी। तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हर बार वो स्कैन करता रहेगा और हर बार आपके मोबाइल की बैटरी यूज होती रहेगी बैकग्राउंड में और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, जब भी आप कभी बाहर जाओ वाईफाई का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे, वहाँ पर अपने स्मार्टफोन में वाईफाई ऑप्शन को जरूर कर दें, इससे बैटरी थोड़ी बहुत तो जरूर बचेगी। नेक्स्ट है डायरेक्ट सनलाइट में स्मार्टफोन का यूज करना। जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर स्मार्टफोन का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं, स्पेशली गर्मियों में। जी हाँ, अगर आप नोटिस करोगे जब भी आप अपने स्मार्टफोन को ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हो जहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी है, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, तो वहाँ पर आपका जो मोबाइल है स्मार्टफोन है वो काफी जल्दी हीट करने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है और वहाँ पर आप नोटिस जरूर करना कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे यार अभी तो फोन की बैटरी इतनी परसेंट थी, अब फोन स्विच ऑफ हो गया कैसे। ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा और आपने भी नोटिस जरूर किया होगा कि धूप में स्मार्टफोन यूज करते वक्त स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो काफी जल्दी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कभी भी अगर आपको लगे कि हाँ यार मुझे अभी मोबाइल की बैटरी की काफी ज्यादा जरूरत है, मुझे ज्यादा दूर जाना है या फिर मोबाइल की बैटरी लंबी चलानी है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है चार्ज करने का, कभी भी अगर आप बाहर जाओ डायरेक्ट सनलाइट या फिर गर्मी जगह पे अपने फोन को इस्तेमाल ना करना, फोन को ऐसी जगह पे रखना जहाँ पर आपका फोन नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा है, हो सके तो अपने स्मार्टफोन को पॉकेट में रखना, इसमें रखना वो ज्यादा बेटर होगा, इससे की वजह से आप इस्तेमाल करें। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो क्या करना है, आपको वीडियो लाइक जरूर कर देना है। नेक्स्ट है GPS। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन में GPS का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके स्मार्टफोन में GPS ऑन होता है, ऐसे करने से उनके स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो काफी जल्दी खर्च हो जाती है। जी हाँ, पर अगर आप GPS का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, आप ट्रैवलिंग बहुत ही कम करते हो, गूगल मैप का इस्तेमाल बहुत ही कम खर्च खर्च के बराबर करते हो, कभी कभी करते हो, जब आप इस्तेमाल करते हो तब आप GPS ऑन करते हो, लेकिन अगर आप GPS का आपका बिल्कुल भी काम नहीं है तो उसे बंद करना ऑफ करना ही फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट है ऑटो रोटेशन। जी हाँ, मानो या ना मानो कहीं ना कहीं मोबाइल की बैटरी जल्दी खर्च होने के पीछे भी ऑटो रोटेशन भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसे आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बहुत से लोग अपने फोन में ऑटो रोटेशन को ऑन रखते हैं और जब भी अपने स्मार्टफोन में किसी भी तरह के ऐप को इस्तेमाल करते हो, हल्का से भी अपने फोन को मूव करते हैं तो आपका जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाता है। तो यहाँ पर इससे क्या होता है, आपके मोबाइल में बैटरी खर्च होती है, तो यहाँ पर इस फीचर को भी आपको टर्न ऑफ करके बंद करके रख देना चाहिए, जब जरूरत हो तब आप इसे ऑन कर सकते हो, इसे बंद करना ही फायदेमंद है। नेक्स्ट है विजेट्स और लाइव वॉलपेपर। जी हाँ, स्मार्टफोन में विजेट्स और लाइव वॉलपेपर इस्तेमाल करने से भी आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी खर्च होती है। तो ऐसे कई सारे विजेट्स होते हैं जो बैकग्राउंड में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं डेटा को फैच करने के लिए, तो ये डेटा फैच करने से आपके मोबाइल का डेटा इस्तेमाल होगा और डेटा इस्तेमाल करने से आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी खर्च होगी, बैटरी
फोन का उसे क्लीन रखो। नेक्स्ट है बैकग्राउंड डेटा। वेल बैकग्राउंड डेटा की वजह से यकीन मानिए आप स्मार्ट फोन के डेटा को तो बचा सकते हैं, लेकिन आप अपने फोन में बैटरी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। पर्सनली मैं भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। आपने देखा होगा आपके स्मार्टफोन में कई सारे ऐप इंस्टॉल होते हैं, कई सारे ऐप होते हैं, तो यहाँ पर बैकग्राउंड में वो डेटा का इस्तेमाल करते रहते हैं। कई लोग लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग और दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं डेटा का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर भैया जिस भी ऐप को ऐप में डेटा का बिल्कुल भी काम नहीं है, वहाँ पर उस डेटा का जो भी बैकग्राउंड डेटा है उसे रेस्ट्रिक्ट कर देना या फिर बैकग्राउंड में डेटा का इस्तेमाल करना, उसे बंद कर देना या फिर पहले उसे रोक देना, ये ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिकली अपडेट्स। जी हाँ, आपने देखा होगा आपके फोन में कई सारे ऐप इंस्टॉल होते हैं, तो यहाँ पर गूगल उन सभी ऐप को जब भी कोई नया अपडेट आता है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है या फिर आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि अपने ऐप को अपडेट करें। तो यहाँ पर अगर आप मोबाइल डेटा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप कहीं बाहर हो और आप अपने फोन में बैटरी को बचाना चाहते हो, तो भैया प्ले स्टोर में जाके जो भी ऐप्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं ना उसे बंद करना बहुत ही फायदेमंद होगा। इससे आपके मोबाइल में बैटरी भी बचेगी और आपके मोबाइल का डेटा भी बचेगा। जी हाँ, तो ये थे कुछ मिस्टेक जो मोस्टली हम सभी लोग करते हैं, जिनके वजह से हमारे स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी खर्च हो जाती है। आई होप आपको ये मिस्टेक पता चल गई होंगी और इन्हीं मिस्टेक को अब आप सुधार के अपने फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है उसे डबल कर सकते हैं।